हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब आ गई हैं दशहरे की छुट्टियां और हम निकल गए हैं घर से सुबह ज़्यादा तो नहीं, 7:30 हो गए हैं ऑलरेडी। और हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो ये हमारा सबसे लंबा ट्रिप होने वाला है एज अ फैमिली, 2100 किलोमीटर वन वे, 2100 से भी ज़्यादा, बिकॉज हम उससे भी थोड़ा ज़्यादा जाएंगे। बट जो हमारा होटल है जहाँ हम सबसे ज़्यादा दिन रुकेंगे वो 2100 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी में। और सिलीगुड़ी से फिर हम दार्जिलिंग भी जाएंगे, कालिम्पोंग भी जाएंगे, नेपाल बॉर्डर भी जाएंगे, बांग्लादेश बॉर्डर भी जाएंगे, तो सारा घूमेंगे। सो आज और सिलीगुड़ी पहुँचने में हमें लगने वाले हैं 3 दिन। सो आज हम निकल गए हैदराबाद से, आज रात को हम रुकेंगे वाइजैग। और इस ब्लॉग में आप ये पूरा रास्ता देखोगे विशाखापट्टनम जाने तक का। कल हम जाएंगे विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर और लास्ट डे हम जाएंगे भुवनेश्वर से कोलकाता। और उसके बाद फाइनली चौथे दिन हम पहुंचेंगे कोलकाता से सिलीगुड़ी। सो लंबा रास्ता होने वाला है, सीनिक नज़ारे होने वाले हैं, मज़ेदार होने वाला है। और खाना हम रास्ते में खाएंगे, आज वैसे भी जिस साइड हम जा रहे हैं वहाँ का खाना फेमस है, चटपटा और एकदम क्या बोलते हैं बढ़िया मसालेदार खाना होता है। सो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हो सामने हम अभी ORR पे हैं, 20-30 किलोमीटर हम आ गए और 60 किलोमीटर हमें ORR पे ही चलना है। सो चलिए अब चलते हैं आगे। हमारा एग्ज़िट आने वाला है ORR का, आप ये सामने ब्लू बोर्ड देख सकते हो और इस पर लिखा हुआ है एग्ज़िट 11 और अपने को यही लेना है। और आप देख सकते हो इसे विजयवाड़ा रोड बोलते हैं, इस एग्ज़िट को एग्ज़िट 11 को। सो ये जाएगा विजयवाड़ा की ओर। रास्ते में आएंगे शहर जैसे सूर्यपेट आएगा और फिर विजयवाड़ा के बाद कोई ज़्यादा बड़ा शहर तो नहीं आएगा वाइजैग तक, ट्यूनी व्यूनी आएंगे छोटे मोटे। सो चलिए अभी हम कट मारते और फिर हमें टोल देना होगा, बिकॉज ORR पे जब आप चढ़ते हो तब आप टोल नहीं देते, जब आप उतरते हो तब देते हो डिस्टेंस के हिसाब से। तो अब हम ORR उतरेंगे, टोल देंगे और फिर आगे विजयवाड़ा रोड पे चलेंगे। 11 का टोल आ गया और आप यहाँ से देख सकते हो सामने में दो रास्ते हैं जैसे आप ये टोल पार करोगे। एक आपको ले जाता है विजयवाड़ा की ओर और दूसरा आपको ले जाता है हैदराबाद के अंदर, मतलब शहर के अंदर LB नगर साइड। सो हम लोगों ने ले लिया है लेफ्ट जो अपने को ले जाएगा विजयवाड़ा की ओर। और अब लग रही है अच्छी खासी भूख। सो चलिए अब इस रोड पे जाते हैं और फिर कोई अच्छा सा वो ढूंढते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फूड ट्रक वाला कोई ढूंढते हैं। लास्ट टाइम एक अच्छा मिला था मुझे विजयवाड़ा जाते हुए, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर मिलेगा। और ये इलेक्शन वालों ने हमें हाथ दे दिया, मतलब पुलिस वालों ने इलेक्शन के कारण। और जैसे कि आपने पहले देखा हम जैसे टोल प्लाजा पे पहुंचे तो हमें पुलिस वालों ने रोक लिया था। और वो इसलिए है, वैसे नॉर्मली तेलंगाना में रोकते नहीं है बट अभी इसलिए है बिकॉज तेलंगाना में मोरल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो गया, इलेक्शन अनाउंस हो गए। सो अब वो कैश और लिकर के लिए रोकते हैं। सो जैसे आपने देखा लास्ट वीडियो, आई थिंक हमने वहाँ एंड करी थी जहाँ सामने पुलिस वाला था और वो एक दूसरी गाड़ी देख रहा था और हमें हाथ दिया था। सो हमें हाथ दिया, रोका, 2-3 बैग ऊपर से खोल के देखे, पूछा 50,000 से ज़्यादा कैश तो नहीं ले जा रहे, हमने बोला नहीं, दारू तो नहीं ले जा रहे, हमने बोला नहीं, बोला कहाँ से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमने बोला हैदराबाद से आ रहे, विजयवाड़ा जा रहे। और उसने एक बैग खुलवाया, उस बैग में सारा फिशिंग का सामान था मेरा, अब वो मैं ऐसे लेके चलता हूँ कभी मन करे कहीं करके, तो वही मैंने बोला कि घूमने फिरने जा रहे हैं, फिशिंग करेंगे तो इसलिए जा रहे हैं। सो बोला ठीक है जाओ चेक वेक करके। सो अब हम आगे आ गए, अब हम इमीडिएटली ब्रेकफास्ट पे रुकेंगे, एक अच्छी ब्रेकफास्ट की जगह आती है यहीं पे हल्का सा 1 किलोमीटर आगे में। सो वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। सो चलिए चलते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, यहाँ रुके थे, अनियन डोसा, इडली, वड़ा, बोंडा। और यहाँ मैंने पहले भी खाया था, इसका बेस्ट मुझे ये चटनी लगा था लास्ट टाइम। और 3 चटनियाँ, एक रेड चटनी, एक नॉर्मल चटनी, ये टमाटर वाली और ये कोकोनट वाली, काफ़ी सही है। बेबी ने खाया, बेबी ने क्या खाया, इडली नहीं खाया, क्या खाएगा, ऑमलेट। बेबी ने ऑमलेट ऑर्डर करा है, हम तो यही खा रहे हैं। और ये हमारा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हो रहा है, ये है वड़ा, सही है। क्या हुआ, इन लोगों का तो हो गया, मैं तो खा रहा हूँ, वड़ा हो गया, गुंडा है, तो मेरे पास डोसा भी है, ये भी मेरा है, मज़ा आ रहा है। स्पेशली चटनी हो गए, रेड चटनी, ये येलो कलर की टमाटो चटनी और वाइट कलर की नॉर्मल पीनट चटनी, तीनों काफ़ी सही है। ये ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट होने वाला है, पहले मैंने वड़ा खाया, बोंडा खाया, अब लास्ट में थोड़ा सा इडली और ये ओनियन डोसा खा रहे हैं। खाना सही है,
चटनियाँ तीन तरह की हैं, रेड वाली थी वो तो मैं खा चुका हूँ, और नॉर्मल टमाटो वाली थी, और जो होती है पीनट वाली वो तो है ही है। तो बहुत मज़ेदार है, आप देख सकते हो भीड़ भयंकर है, अभी तो दो चार गाड़ियाँ चली गई, अदरवाइज इससे भी ज़्यादा थी। तो चलिए ये खाते हैं फिर चलते हैं। शेड में ये हमारा बीबी शेड में बैठ के ऑमलेट खा रहा है। कैसा है ऑमलेट तुम्हारा? चटपटा मिर्चीदार लाल लाल अच्छा लग रहा है। तो डोसा क्यों नहीं खाया? वो अच्छा था डोसा और वो इडली, उसमें मिर्ची भी नहीं थी। ऑमलेट खाने का मूड था आज बेबी का। ओके, तो ये विक्रांत इंजॉइंग हिज ब्रेकफास्ट। और क्या खाएगा आज बेबी रास्ते में? फिश करी, चिकन करी, प्रॉन्स। प्रॉन्स वाली जगह तो अब नहीं जा पाएंगे ना, हम लेट हो गए, आते में जाना पड़ेगा। मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और हमारा बिल आया 125, मतलब 35 रुपीस प्लेट था। हाँ, मैंने पेमेंट कर दिया, अब मम्मी को ले आओ। और मैंने पे करा है 125, 35 रुपये प्लेट था। सो हमने तीन प्लेट वो लिया, मतलब एक प्लेट डोसा था, हाफ प्लेट बोंडा था, हाफ प्लेट वड़ा था, एक प्लेट इडली था। तो टोटल तीन प्लेट वो हो गया, तो उसका बना 105, 35 रुपये के हिसाब से। और फिर 10-10 रुपये के अंडे थे, मतलब एक अंडा 10 रुपये का था, तो मैंने दो अंडे बनवाए थे ऑमलेट टाइप, तो उसके उसने 20 रुपये लिए, जो बहुत सही है। सो टोटल मैंने पे करे 125 रुपये और हमारा खाना हो गया। बहुत भीड़ है यहाँ पे, ऑमलेट के लिए बड़ा वेट करना पड़ा, बोलना पड़ा उसके सर पे खड़े होके भैया के, फिर दिया। बट नॉर्मली यहाँ खाना अच्छा होता है, इसलिए इतनी भीड़ होती है यहाँ पे हमेशा जब भी आओ। तो चलिए अब हमारा खाना पीना हो गया, इन लोगों का भी हो गया, बेबी भी अब हाथ धो के आ गया, ये देख सकते हैं पीछे बेबी आ गया। अब हम चलते हैं आगे। ये हम 100 किलोमीटर हैं अपने घर से, एग्जैक्ट 102 या 103 किलोमीटर पे जगह आती है नाश्ते की। एक पुरानी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, इसका मार्कर ये है, 213 विजयवाड़ा करके लिखा होगा ये होगा, और इसी के साथ में फूड ट्रक होगा, इसका काफ़ी अच्छा होता है खाना। तो चलिए अब हम चलते हैं। ये कोरला पांडू टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, एक बाइक पे मुझे वो क्या बोलते हैं उसे, गुलेल या स्लिंग शॉट, वो भैया गुलेल है वो सामने, आप बाइक में देखो, वो मुझे लग रहा है गुलेल है। गुलेल क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो स्लिंग शॉट बोलते हैं, वो चिड़िया मारते थे ना बचपन में, आम तोड़ते थे, वो लग रहा है वही है क्या? देखो तो, अगर है तो इसको रोकने को बोल के बेबी के लिए लेते हैं, देखो वही है। हाँ वही है, वही है, वही है। ये भैया को हाथ दो तो ज़रा खिड़की खोल के, एक बच्चे के लिए ले लेते हैं हमें स्लिंग शॉट। ये बेबी को लेना था, ले लिया। कौन सा कलर जल्दी बताओ? ऑरेंज। एक ये वाला कलर दे दो, ये वाला। हाँ ये वाला रंग, ये 100 रुपीस का, ये 100 का सिंगल वाला। अच्छा क्या करो? हाँ हाँ रेडी ले लो, चलो यही सही है। ओके एक ही चाहिए बस, बच्चे के लिए चाहिए। ये सूर्यपेट का फ्लाईओवर जा रहे हैं हम, बाईपास कर रहे हैं। सूर्यपेट हमने बहुत बार क्रॉस किया है पिछली 3-4 वीडियो में, और मैंने आपको बताया भी है ये जगह मैं इसलिए जानता हूँ, और इसका मैंने सबसे पहले नाम तब सुना था जब इंडिया और चाइना का क्लैश हुआ था गलवान में, बिकॉज जो सबसे सीनियर ऑफिसर थे उधर वो यहीं से थे, और जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी बॉडी यहीं आई थी, तो पूरे न्यूज़ में आया था सूर्यपेट, मतलब बॉडी आ रही है करके। सो मैंने तब सुना था। और यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी काफ़ी हैं, और ये आंध्रा के बॉर्डर के पास का थोड़ा बड़ा शहर अब यही है, इसके बाद एक छोटा शहर कोडाड आएगा और फिर बॉर्डर आ जाएगा आंध्रा का, वो बच गया होगा अब अप्रॉक्सीमेटली 40-45 किलोमीटर रह गया आंध्रा का बॉर्डर। तो चलिए चलते हैं आगे आंध्र प्रदेश की ओर। पर आ रहे हैं तेलंगाना में, बिकॉज यहाँ 2 रुपये कम होता है, और टैंक फुल कराएंगे, देखते हैं कितना जाएगा। आई थिंक 40 लीटर के आसपास जाना चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट पूरा खाली तो नहीं है, और 4-5 लीटर बचा है, बट ऑलमोस्ट खाली था। ये देख सकते हो आप हमारी गाड़ी, हमारा बेबी अंदर बैठा है पढ़ाई कर रहा है, बीवी इधर बैठी है। चलिए अब ये भराते हैं फिर चलते हैं। ये इतना गया 4297.21 44 लीटर्स, मतलब टैंक ऑलमोस्ट खाली था, काफ़ी गया। चलिए इसका बिलिंग कराते हैं फिर चलते हैं। ये मैंने टैंक फुल करा लिया यहाँ पे, और अब ये मेरे हिसाब से चल जाएगा एकदम वाइज़ैग पहुँचने तक, और कल फिर वाइज़ैग से निकलते हुए भरा लेंगे। मुझे थोड़ा सा यहाँ डाउट हुआ कि इन्होंने कुछ थोड़ा सा कुछ किया, बिकॉज़ मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जाएगा। मेरा 45 लीटर का टैंक है,
जिसमें जिस जितने लेवल पे मैंने आज भराया उतने लेवल पे नॉर्मली 40 के आसपास ही जाता, उससे ज़्यादा नहीं जाता। यहाँ 44 गया, 44 गया। मेरे हिसाब से नॉर्मली 40 या 41 तक जाना चाहिए था, तो शायद एक लीटर का कुछ इन्होंने किया। और ये वैसे भी कंपनी ओन्ड पंप नहीं था, नॉर्मली मैं हमेशा कंपनी ओन्ड पे भराता हूँ, बट आज मिला नहीं तो मुझे यहीं भराना पड़ा। तो चलिए कोई नहीं, अब जो भी है, लंबे रास्तों में कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ढंग का पंप नहीं मिलता, बट क्या पता सही हो। मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि पक्का चोरी है, बिकॉज ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने, ध्यान तो दिया था भरते हुए, ऐसा कुछ करते हुए तो मैंने नोटिस नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ज़्यादा टैंक में डीजल गया, इतना जाना नहीं चाहिए था। तो चलिए जो भी, आप आगे रास्ता देख सकते हो। अब ये हम जा रहे हैं कोडाड की ओर, अब कोडाड रह गया होगा यहाँ से 20-25 किलोमीटर, सो 20-25 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा और फिर हम लोग आंध्रा लग जाएंगे। तो चलिए आंध्रा चलते हैं। इधर कोडाड शहर जाने का लेफ्ट में कट बता रहा है ये बोर्ड। सो अब हम बॉर्डर के बहुत पास हैं, अब यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर के अंदर में बॉर्डर आ जाएगा और हम आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे। आंध्र प्रदेश जाने के बाद भी हमारा बहुत लंबा रास्ता है, बिकॉज उसके बाद भी अपने को ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर कवर करना है, सो लंबा रास्ता तो है ही, बट कोई नहीं, चलिए चलते आगे। बॉर्डर आ चुके हैं अब, और ये जो सामने ये रास्ता आप देख रहे हो, अब यहाँ से 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर में बॉर्डर है। एक्चुअली है क्या, एक नदी आती है, आई थिंक पलेरू नदी है जितना मुझे याद है लास्ट टाइम से, और वो नदी पार करते ही आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है। बहुत छोटी सी नदी है, कोई ख़ास नदी नहीं है, और कई बार तो सूखी भी होती है, और वो पार करते ही आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है, और उससे पहले तेलंगाना है। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो तेलंगाना पुलिस का बैरियर है, ये लास्ट है तेलंगाना पुलिस का। अब इसके बाद तेलंगाना पुलिस के बोर्ड नहीं दिखेंगे, ये वाला बोर्ड तेलंगाना पुलिस का है, बट इसके बाद जो भी चेक पोस्ट आएगा वो आंध्रा का आएगा। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में देखोगे उस साइड रोड पार, वहाँ आप देख सकते हो गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं और वो चेक हो रही हैं। नॉर्मली चेकिंग नहीं होती, बट ये इलेक्शन टाइम शुरू हो गया है यहाँ पे, इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो आप इधर देख सकते हो अपोजिट साइड में गाड़ियाँ चेक हो रही थी। तो चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू विजिट अगेन, ये तेलंगाना है, तेलंगाना मिट गया, बट ये तेलंगाना का बोर्ड है कि थैंक यू विजिट अगेन। ये पलेरू नदी का पुल है, आज पानी भी है इसमें, क्या बात है, कई बार तो बिल्कुल पानी नहीं होता, आज पानी है इसमें, सही है। और अब आप सामने देखो, जैसे हम ये पुल पार करेंगे, यहाँ पे आप देखो, ये हमने पुल पार किया और सामने लिखा हुआ है आंध्र, वेलकम टू आंध्र प्रदेश NTR डिस्ट्रिक्ट, और इसी के सामने में ये जो बोर्ड है इसमें लिखा है वेलकम टू आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश हम आ गए, NTR डिस्ट्रिक्ट में हम आ गए। अभी भी विजयवाड़ा यहाँ से ऑलमोस्ट, हाँ, जगनन्ना की फ़ोटो भी आ गई CM सर की और यहाँ से अब 90 किलोमीटर है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा के आसपास जाके हम लंच करेंगे, और वहाँ पे बीबी का डीकैथलॉन में एक बॉल लेना है, वो उसको स्विमिंग पूल में बॉल खेलना है और वो घर से लाना भूल गया, सो हम क्या करेंगे, हम डीकैथलॉन जाएंगे विजयवाड़ा में और वहाँ से उसके लिए बॉल लेंगे, बिकॉज हम 5-6 दिन होटल में रुकेंगे तो वो इन्जॉय करेगा फिर। सो चलिए अब चलते हैं। NTR पुलिस कमिश्नरेट, मतलब NTR डिस्ट्रिक्ट का पुलिस कमिश्नरेट, और ये बैरियर पार हो गया, अब ये आंध्र प्रदेश की एंट्री थी। यहाँ पे कई बार लिकर के लिए चेक करते हैं, आज नहीं करा, अच्छी बात है। तो चलिए अब हम आंध्र प्रदेश आ गए, आज का ये इकलौता बॉर्डर है और कोई बॉर्डर नहीं आने वाला, आज हम पूरा दिन आंध्र प्रदेश में रहेंगे, कल हम उड़ीसा में जाएंगे, सो कल एक और बॉर्डर आएगा, बट आज के ब्लॉग में का इकलौता बॉर्डर यही था। सो चलिए चलते हैं आगे। का पहला टोल प्लाजा आ गया है और इस जगह का नाम है चिल्लाकल्लू टोल प्लाजा, चिल्लाकल्लू टोल प्लाजा आ गया। चलिए ये आंध्र प्रदेश का आज का पहला है, इसे क्रॉस करते हैं और आगे चलते हैं। अभी भी विजयवाड़ा रह गया है ऑलमोस्ट 60-65 किलोमीटर, सो 60-65 किलोमीटर क्रॉस करना है हमें, उसके बाद हमारा डीकैथलॉन आएगा और अब जाके खुला बैरियर, डीकैथलॉन आएगा, वहाँ पे बेबी के लिए बॉल लेंगे और फिर आगे चलेंगे। आगे आप सामने देखो कितना सही पहाड़ है, ऐसा लगता है उसकी चोटी पे चढ़ने में कितना मज़ा आएगा ट्रैक करने में, और ऊपर वो भी है सेल फोन टावर है वो शायद बढ़िया सा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये हमने यहाँ पे रोका था थोड़ा शेड में, पानी वानी पीने के लिए, ब्रेक लेने के लिए, थोड़ा सा हल्का बायो ब्रेक। सो आपको थोड़ा गाड़ी की हालत दिखाता हूँ मैं, हमारी गाड़ी कितनी पैक है। सो ये 15 दिन का हमारा ट्रिप है और आप देख सकते हो पूरा पूरा डिक्की पैक है, मतलब कोई जगह खाली नहीं है। ये पानी का कैन है, ये जूते चप्पल हैं, दो बड़े बड़े बैग्स हैं जिनमें कपड़े भरे पड़े हैं, और फुल पैक है गाड़ी, मतलब बिल्कुल जगह नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं आपको अंदर दिखाऊं तो, अगर आप उधर भी देखोगे, अगर आप गाड़ी के अंदर भी देखोगे तो वहाँ पे पूरे बैग्स पड़े हैं एक साइड,
बिकॉज पीछे बेबी अकेला बैठा, कोई है नहीं, तो वहाँ पे भी पूरे बैग्स भरे पड़े। और हमने सोचा इस ट्रिप में हम अनहेल्दी कुछ भी नहीं खाएंगे, तो हमने स्नैक्स के लिए हम ये आलमंड लाए घर पे फ्राई मार के, मतलब हल्का हल्का सा घी में डाल के फ्राई मार के। सो देखते हैं हमारा कैसा जाता है ये ट्रिप। प्लान तो यही है कि कुछ भी अनहेल्दी नहीं लेंगे, कोक नहीं लेंगे, चिप्स नहीं लेंगे, और अगर प्यास लगेगी तो कोकोनट वाटर या जूस पियेंगे बस, या पानी पियेंगे। सो देखते हैं, चलिए चलते हैं कैसा रहता। नेहरू का संगम देखने आए थे और हमें कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग देखा। ये देखो, ये बत्तख पाल रहे हैं, बर्ड्स पाल रहे हैं, बत्तख ही है शायद, कितने सारे हैं इनके। ये देखो आप, डकलिंग्स हैं, बच्चे हैं, कितने सारे हैं। वो देखो आप, पूरे पानी में भरे हुए हैं, कितने सारे। और ये डंडे लेके उनको वो कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि इधर जाओ, इधर जाओ, इधर मत आओ। वाह, बड़ा सही लग रहा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। बेबी ने देखा था ऐसा कभी? फर्स्ट टाइम इतने सारे डकलिंग्स देख रहा है बेबी। हाँ, कितने सारे डकलिंग्स हैं, है ना, इतने सारे हमने कभी नहीं देखे थे। और हम इधर एक्चुअली रुके थे ये संगम देखने के लिए। इधर दो नदियों का संगम है, वो वायरा है जो उधर से आ रही है, वायरा गांव से आ रही है इसलिए उसे वायरा बोलते हैं, और ये मुनेरू है जो इधर से आ रही है, और यहाँ पे इन दोनों का संगम होता है। ये संगम है, आप देख सकते हो, ये बीच में अलग है, फिर ये दोनों जुड़ रही हैं, ये संगम है दो नदियों का, फिर ये आगे मुनेरू कहलाती है, और आगे यहाँ से 10-15 किलोमीटर बाद ये कृष्णा नदी में जाके मिल जाएगी, और कृष्णा नदी फिर उससे आगे जाके समुंदर में मिल जाएगी। तो ये हम देखने आए थे, बट हमें इसी बहाने ये डक्स दिख गए, बहुत इंटरेस्टिंग, ये हमने नहीं देखा। देखो कैसे भाग रहे, देखा देखा कैसे भाग रहे, सही लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग लगा बेबी को ये। वो देखो, वो स्विम करके आ रहे हैं, वो चल के आ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर स्विम कर रहे हैं, फिर स्विम कर रहे हैं। हाँ, कितने स्विम कर रहे हैं, चल रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, कैसे चौं चौं आवाज कर रहे हैं, सुना कैसे कर रहे हैं, चोई चोई चोई। चलो, और ये एक और टोल प्लाजा आ गया आज का, विजयवाड़ा से पहले ये लास्ट वाला है, किसारा। सो किसरा है या किसारा है, जो भी है, किसारा टोल प्लाजा आ गया। अब इसके बाद विजयवाड़ा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक यहाँ से 30 किलोमीटर के ऑलमोस्ट होगा विजयवाड़ा, 30-35 किलोमीटर, और हमें पूरा विजयवाड़ा क्रॉस करना है वाइज़ाग जाने के लिए। और विजयवाड़ा में ही हम अपने बेबी के लिए उसका सामान भी लेंगे, और होपफुली वहीं कहीं आसपास हम लंच भी करेंगे। सो चलिए चलते हैं, कहते हैं जय हनुमान। ये हनुमान जी का टेम्पल है, ये हनुमान जी की मूर्ति है, पीछे से दिख रही है। ये हमने एक पुरानी वीडियो में कवर करा है ये मंदिर डिटेल में, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ी मूर्त है ये हनुमान जी की। जब हम विजयवाड़ा से हैदराबाद की साइड आ रहे थे तब हम इसमें गए थे और अच्छे से घूमे थे, और काफ़ी सही है ये मंदिर। अभी भी शायद देखते हैं, जब आ रहे होंगे तब अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम बिल्कुल जाएंगे, जगह बहुत अच्छी है। बट आज तो हम उल्टी साइड पे हैं और हमें इस साइड जाना है, तो हम इधर नहीं जा रहे। बट आप देखो कितनी अच्छी मूर्ति है, कितने अच्छे लग रहे हैं हनुमान जी अंदर से, और अच्छे लगते हैं सामने से। और पूजा वूजा भी यहाँ आप करा सकते हो, ज़्यादा महंगी नहीं है, 100 रुपये कुछ की है, तो मतलब काफ़ी डिसेंट है, और अंदर है भी अच्छा, हरा भरा है, पेड़ वेड़ है, सही है। और बेबी, यू आर एक्साइटेड डिकैथलॉन के लिए? ये सामान लेना उसको, इसलिए एक्साइटेड है। चलिए चलते आगे, बेबी का सर्कल आ गया। एक बार आप इस सर्कल पे आ गए तो आप मान लीजिए आप ऑलमोस्ट विजयवाड़ा आ ही गए, बिकॉज यहाँ से विजयवाड़ा हार्डली 10-15 किलोमीटर टाइप होगा। और आप लेफ्ट में देख सकते हो भद्राचलम और जगदलपुर, छत्तीसगढ़ जाने का रास्ता है उधर से, बट अपने को उधर नहीं जाना, अपने को इधर जाना है, सीधा आगे विशाखापट्टनम की ओर। सो हमने ये कट मार लिया है। यहाँ मैं जब भी रात में आता हूँ चाय पीता हूँ, यहाँ अच्छी चाय मिलती है, अच्छी क्या मतलब, यहाँ गर्म चाय मिलती है। यहाँ एक दुकान है जो रात भर चलती है और उसमें हमेशा लोग होते हैं, तो हमेशा बनती रहती है, मिलती रहती है। बाकी जगह साउथ इंडिया में वो बनी बनाई चाय होती है, वो मज़ा नहीं आता। सो यहाँ मैंने बहुत बार चाय पी है गर्म चाय के चक्कर में। अब चलते हैं आगे, विजयवाड़ा दिखाते हैं आपको थोड़ा सा जब हम पहुँचेंगे, और फिर उससे आगे जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे बोर्ड लगा है, इस पर लिखा है डॉक्टर नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन इब्राहिमपट्टनम। सो ये हम इब्राहिमपट्टनम आ गए, और ये इब्राहिमपट्टनम का पावर स्टेशन है। अगर आप उस खिड़की से देखोगे तो वो है, ये उसका बोर्ड था, ये उतना आगे है, बट बोर्ड यहाँ मेन रोड पर अंदर जाने के रास्ते पर लगा हुआ है। तो चलिए, अब इब्राहिमपट्टनम के पावर स्टेशन पर आ गए, अब आगे चलते हैं विजयवाड़ा की ओर, और फिर वहाँ से विशाखापट्टनम। स्वागत है आपका, वेलकम टू विजयवाड़ा, विजयवाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सो हम विजयवाड़ा शहर के प्रॉपर अंदर आ गए, अब विजयवाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बोर्ड आ गया। अब दो रास्ते आते हैं, एक पहले जाता है विजयवाड़ा बाईपास रोड, बट वो नाम की ही बाईपास रोड है, वो पीछे थी,
कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उससे अच्छा है कि आप शहर के अंदर आओ और यहाँ पे आपको कनक दुर्गा फ्लाईओवर मिल जाएगा, जो कनक दुर्गा टेम्पल उसके साथ में उसके नाम पे, तो आप फ्लाईओवर लो और निकल जाओ। तो हम भी फ्लाईओवर लेके निकलेंगे, अब फ्लाईओवर आता है तो आपको दिखाते हैं। अभी हम निकल गए, अब सामने आप देख सकते हैं कनक दुर्गा फ्लाईओवर आ गया और यहाँ से कनक दुर्गा मंदिर 2 किलोमीटर है, बस स्टैंड 3 किलोमीटर, बेंसकर सर्कल 8 किलोमीटर और विशाखापट्टनम 350 और चेन्नई 450। तो यहाँ आगे से चेन्नई जाने का भी राइट से एक रास्ता आता है, एक बहुत अच्छा होटल है जहाँ मैं खाने की सोच रहा था, बट वो चेन्नई वाले रास्ते में और आज हमारे पास टाइम कम है। सो आप इधर देख सकते हो हम कनक दुर्गा फ्लाईओवर के ऊपर हैं और लेफ्ट में पहाड़ है, राइट में कृष्णा नदी है जो थोड़ा आगे जाके और क्लियरली दिखेगी, और ये काफ़ी सही है। इससे पहले जब ये फ्लाईओवर नहीं था पूरे जाम से गुजरना पड़ता था, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट वेस्ट होता था इस रास्ते पे, बट बिकॉज अब ये फ्लाईओवर है तो हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। तो चलिए चलते हैं विशाखापट्टनम की ओर। रेलवे पुल जो हम क्रॉस कर रहे हैं, कोई मालगाड़ी जा रही है ऊपर से, और आप इधर देख सकते हो इधर ऐसे 2-3 पुल हैं, एक नहीं मतलब 3-4 पुल हैं ऐसे छोटे छोटे, और ये इसलिए है बिकॉज यहाँ पे रेलवे स्टेशन एकदम पास में है, तो रेलवे स्टेशन पास होने की वजह से जितने भी प्लेटफॉर्म पे लाइनें जा रही हैं उन सब के लिए यहाँ पे पुल बनाए हुए हैं। सो जैसे आपने एक देखा ये दूसरा है, आगे तीसरा है, कई बार यहाँ पे वंदे भारत दिख जाती है आते में, लास्ट टाइम हमें दिखी थी, आज कोई मालगाड़ी दिखी। चलिए अब चलते हैं आगे। विजयवाड़ा का बस स्टैंड है, आप देख सकते हो हम इसे क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पे ये अच्छा है इस शहर में कि इसका सबसे बड़ा बस स्टैंड मेन वाला और रेलवे स्टेशन दोनों एकदम साथ साथ है। सो ये वही रोड है इसलिए इस पर थोड़ा ट्रैफिक है, बट चलिए कोई नहीं, 5-7 मिनट की बात है, उसके बाद निकल जाएंगे। देखते हो हम विजयवाड़ा से आगे आ गए, लगभग 30-40 किलोमीटर आगे आ गए, और ये आखिरी थोड़ा ऐसा जगह है जहाँ थोड़ा ट्रैफिक रहता है, इसके बाद अब रोड खुल जाएगी। यहाँ इसलिए ट्रैफिक रहता है, आपको ये लेफ्ट में कट दिख रहा होगा, जैसे अभी तो क्लियरली नहीं दिखेगा, अब दिखेगा, ये लेफ्ट में कट है, ये नुजविड जा रहा है। नुजविड करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वो जगह है फेमस आम के लिए, वो पीछे रोड चली गई, वो बहुत सही आम होते हैं वहाँ पे, और गर्मियों में यहाँ ट्रक के ट्रक जाते हैं, मतलब निकलते हैं वहाँ से आम लेके पूरे इंडिया में जाते हैं, और वहाँ पे 2-3 आंध्रा की वैरायटीज़ हैं जो बहुत होती हैं, रसालू बहुत होता है, बागनपल्ली या सफ़ेदा जिसे कहा जाता है वो बहुत होता है, और हिमायत है जो यहाँ का लोकल एक वो है वो भी बहुत होता है। सो ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छे से, मतलब ये 3-4 वैरायटी हैं आम की जो होती हैं। सो ये नुजविड वाला बाईपास, मतलब जो कट था वो हमने पार कर लिया, अब हम आगे की साइड जा रहे हैं। अब बड़ा शहर तो कोई मेरे को इतना खास नहीं पता, बट ट्यूनी आएगा, ट्यूनी भी आमों के लिए फेमस है, वहाँ पता नहीं 100 अलग अलग तरीके के आम होते हैं कभी, ऐसा मैंने पढ़ा था। सो ट्यूनी आएगा और फिर हम विशाखापट्टनम की ओर जाएंगे। अब रास्ता रह गया 6 घंटे का, किलोमीटर रह गए हैं 340। सो चलिए चलते हैं, अब कहीं पर खाना ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं। बात का ये पहला टोल गेट आ गया है और आप देख सकते हो अब नज़ारे एकदम सही हो गए हैं गांव जैसे, मतलब बट यहीं टोल गेट पे ही थोड़ा सा जैम है, अब क्या करें कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे कई बार फ्रूट्स अच्छे मिलते थे इस टोल गेट पे, हमने कई बार यहाँ पे गुआवा लिया है, केले लिए हैं, आज देखते हैं कुछ मिलेगा तो लेंगे रास्ते के लिए, बट अभी पक्का नहीं है, देखते हैं। यह हो गई है और मैंने अभी देखा इस पर 100 की लिमिट है, बट आराम से आप 100 के ऊपर जा सकते हो, रोड इतनी अच्छी है, और इसमें लिखा है AH-45, मतलब एशियन हाईवे 45, वैसे ये NH-16 है, नेशनल हाईवे 16 जो जाता है चेन्नई से कलकत्ता। सो चेन्नई से कलकत्ता जाता है, और अभी हम ये कलकत्ता जाने वाले सेक्शन पे हैं, यहाँ से 1190 ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर दिखा रहा था कलकत्ता, जो हम परसों पहुँचेंगे, मतलब आज हम विशाखापट्टनम पहुँचेंगे, कल हम उसके बाद कटक में रुकेंगे, भुवनेश्वर में सॉरी थोड़ा भुवनेश्वर घूमेंगे, और फिर परसों अपन लोग फाइनली कलकत्ता पहुँचेंगे। सो चलिए अब इस रोड को एंजॉय करते हैं, भूख बहुत तेज़ लग रही है, बट ये रोड ऐसी है कि यहाँ कुछ है नहीं, आप देख सकते हो खाली है दोनों साइड, कोई ढाबा वाबा भी नहीं है सामने, इसलिए हमें थोड़ी सी खाने में दिक्कत हो रही है, ढूंढते हैं कहीं पर, ढूंढते हैं खाना। चलिए ये हम आज कुछ अलग आए हैं, ये हम साउथ इंडिया के ट्रकर ढाबे पे आए हैं, हमने नॉर्थ इंडिया वाले ट्रकर ढाबों पे तो दाल रोटी बहुत खाई थी, ये यहाँ बहुत सारे ट्रक्स खड़े थे तो हम रुके, और हमने ऐसे थाली मंगाई है, आप देख सकते हो विक्रांत थाली खा रहा है, ये मेरी है लग चुकी है, राइस है, सांबर जैसा कुछ है, चटनी वटनी है, और ऐसे बैठने का सेटअप है जैसे आप देख सकते हो सामने लोग बैठे, हम भी ऐसे बैठे हैं इस साइड। कैसा बेबी खाना गर्म है, चिकन का वेट कर रहा है ना हमारा बेबी, चिकन का वेट कर रहा है, अभी चिकन आएगा तो वो खाएगा। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है,
इसमें क्या होता है कि ऐसे आता है, अगर आप चिकन बोलोगे तो चिकन और एग का मिक्सचर ऐसा आता है, ऐसा आप देख सकते हो, जिसमें चिकन के पीसेस होंगे थोड़े बहुत और अंडा होगा। बेबी को अंडा नहीं खाना था, ये इसकी थाली है, वो खा रहा है, ये देख सकते हो आप। उसे अंडा नहीं खाना था तो उसने मुझे दे दिया, तो मैंने ले लिया वो अंडा। बट हमने जो मंगाया वो ऐसा आया था। बेबी चिकन कैसा है? स्पाइसी है? स्पाइसी है? नहीं है, नहीं है। ये विक्रांत और उसकी मम्मी का पुणे वाला है, वो कर्ड राइस खा रहे हैं। कैसा है कर्ड राइस? अच्छा है, थम्स अप। क्या बात है बेटा, आज वेजिटेरियन खाने कर्ड राइस को थम्स अप दे रहा है। मुझे अच्छा लगा, सही है। अब हम खाते हैं, इनका तो ऑलमोस्ट डन है, मेरा थोड़ा सा आप देख सकते हैं बचा हुआ है, ये फिनिश करेंगे फिर चलेंगे। ये हमारा साउथ इंडियन थाली हो गया, खाना बहुत अच्छा था, स्पाइसी था, बड़ा मज़ा आया। और लास्ट में जैसे करते हैं दही के साथ खाते हैं साउथ इंडिया में, तो हमने भी दही लिया, दही एंड राइस, और इसके साथ हम खाएंगे। एकदम मीठा है दही, बहुत सही है, बहुत मज़ेदार है। ये थाली लिया था हमने, अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और लास्ट में जैसे मसाला मारने के लिए खाते हैं दही, दही खा रहे हैं, और दही बहुत मीठा है ये, तो यहाँ का लोकल ब्रांड है तिरुमाला दही, बट काफ़ी सही है। चलिए चलते हैं। फाइनली हमने खाना खा लिया, काफ़ी देर से हम खाना ढूंढ रहे थे, बहुत भूखे थे, और तो इस ढाबा में हमने खाना खाया। ये साउथ इंडिया का ढाबा है और खाना काफ़ी फ्रेश था। हमने राइस खाया, सब्जी दो तीन सब्जी थी, और चिकन करी और एग था, चिकन करी भी बहुत अच्छा था, और लास्ट में सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि दही दिया, वो भी घर जैसा दही था, एकदम मीठा दही, और दही और राइस खाया, जो भी थोड़ा चिली था वो हमें कंपनसेट हो गया दही से। और आप देख सकते हैं काफ़ी था, अच्छा था खाना, और हमने ओनली 300 रुपीज़ पे किया। और आप देख सकते हैं वहाँ पे सामने सारे लाइन की ट्रक लगी हुई है, ट्रक सॉरी लाइन से ट्रक लगी हुई है, तो ये आप समझ सकते हैं ट्रक देखे कि ट्रक ढाबा है ये, स्पेशली इन साउथ इंडिया। हमने नॉर्थ इंडिया में भी खाया था, जहाँ पे भी हम देखते हैं कि हाँ ट्रक बहुत सारी रुके, लगता है कि खाना बहुत अच्छा है तो हम आ जाते हैं, तो जब भी हमने ट्राई किया खाना अच्छा ही मिला है हमें। निकल गए हम, और खाना खा के निकलते ही विद इन मतलब 2-3 किलोमीटर ये टोल प्लाजा आ गया। ये वाला सेक्शन आप सब लोगों के लिए नया होगा, बिकॉज विजयवाड़ा तो हमने 2-3 वीडियोस में कवर किया है, हम आए हैं गए हैं या क्रॉस किया है, बट वाइजाग हम वीडियो बनाने के बाद, जब से हमने वीडियो बनानी शुरू करी उसके बाद नहीं गए थे। पहले हम 3-4 बार गए थे, बट पिछले कुछ सालों में जब से वीडियो, एक साल से जब से हम वीडियो बना रहे हैं तब से नहीं आए थे। तो आज देखिए, और इस टोल प्लाजा की बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है, यहाँ फ्रूट बेचते हैं लोग। हाँ भाग भाग के आ रहे हैं, ये आइस एप्पल है, ये तो हम खाते नहीं हैं, गुआवा है वो भी हम नहीं खाते हैं, पहले तो बहुत भूखे थे, बट हाँ ये नज़ारे हैं। राइट हैंड साइड में है तालाब, और लेफ्ट हैंड साइड में है खेत, और क्या बोलते हैं ये, नारियल के खेत और चावल के खेत, धान के खेत, बड़ा सही ये। और आप यहाँ देखो, कुछ ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, खाली रोड है, मस्त अपना हम चले जा रहे मज़े से, गाने वाने सुनते हुए। और हमारा बेटा तो सो गया, अब मैं और बीवी हम दोनों ही बैठे हैं इधर, बीवी तो हमारा मस्त सो गया है, अब थक गया वो दिन भर में, अभी भी रह गया ऑलमोस्ट 4 घंटा रह गया, ऐसे ही टाइम पास गप मारते हुए जा रहे हैं हम। चलिए 4 घंटे भी अब बीत जाएंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग तो अब क्या आएगा, ट्यूनी आएगा, बट ट्यूनी में तो आम का सीज़न होता तो आपको आम दिखाते अलग अलग वैरायटी के, बट अभी तो कुछ खास होगा नहीं। हाँ बीच में थोड़े से घाट्स आएंगे, थोड़े से बड़े हल्के, तो कहीं पे अच्छे घाट्स या पहाड़ दिखते हैं तो आपको दिखाते। ये सामने सुंदर सुंदर रास्ता, कोकोनट के पेड़, मज़ेदार रास्ता, और हम बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हमारा बेटा सोया हुआ है तो शांति है, अभी उठेगा तो फिर वो भी हमारी तरह गप मारने का शौकीन है, कहानियाँ सुनाएगा। चलिए अभी हम किधर में हैं मुझे भी नहीं पता, बट यहाँ से राजा मुंडरी अब 30 किलोमीटर रह गया है, तो आप लगा लो लगभग राजा मुंडरी के पास में है, और हमारा होटल यहाँ से रह गया 230 किलोमीटर्स, और टाइम बता रहा है कि अभी 4.5 घंटे और लगेंगे। तो चलिए मज़ेदार रोड है, यही इन्जॉय करते हुए चलते। गोदावरी का पुल आ गया, जय माँ गोदावरी, और यहाँ पे गोदावरी देख के लगता है कि हाँ कोई बड़ी नदी है,
बहुत बहुत भयंकर स्वरूप है यहाँ गोदावरी का। ये ब्रिज मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबा होगा और आप देखो कितना पानी है इसमें, कितना पानी है, क्या लग रहा है। और ये ब्रिज हमें बड़ा पसंद है बिकॉज पहले पुराने टाइम पे जब हम आते थे, जब इधर में ये नया वाला रास्ता नहीं खुला था जिससे हम आ जाए, तो ये दूसरा पुल आता था, एक छोटा पुल आता था, मतलब पुल इतना ही लंबा होता था, चौड़ाई छोटी थी, एक ही गाड़ी निकल पाती थी। और वहाँ पे बहुत मज़ेदार फिश करी राइस मिलता था, मतलब मछली का झोल और चावल मिलते थे, बड़े मज़ेदार। और वहाँ एक दुकान थी जहाँ 7-8 औरतें, मतलब लेडीज़ लोग मिलके बनाती थी और केले के पत्ते पे बिठा के ढाबे स्टाइल में खिलाती थी बड़े अच्छे से, और बड़ा सस्ता था वो, 80 रुपये का थाली होता था। तो तब तो हमारे बेबी का भी नहीं लगता था, जैसे 2 लोगों ने खाया तो 160 रुपये में मछली चावल, और बेबी को तो ऐसे ही दे देते थे। बहुत सही था, वो हम मिस करते हैं जब से रूट चेंज हुआ। ये रूट चेंज हुआ तो क्या हुआ कि थोड़ा टाइम कम हो गया, पहले जैसे हमें 14-15 घंटे लगते थे, अब इस रूट पे 11 से 12 घंटे लगते हैं। बट हाँ, वो जगह हम मिस करते हैं। वो यहाँ से ऐसे गोदावरी पे 2-3 पुल है, वो सबसे पुराने वाले पुल के पास है, डोलेश्वरम बैरेज के बोलते हैं उसको, डोलेश्वरम बैरेज के पुल के पास है। तो चलिए, ये है गोदावरी का महारूप। अभी ये बहुत लंबा चलेगा बट अगर हम आपको बोलते रहेंगे तो आप बोर हो जाओगे, तो गोदावरी हमने दिखा दी। अब आगे चलते हैं, ये राजामुंड्री आ गए हम शहर, राजामुंड्री के शहर के किनारे पे ही गोदावरी है, ये गोदावरी पार करते ही शहर आ जाएगा। थोड़ा सा शहर दिखाएंगे आपको, फिर वाइजैग जाएंगे। हम फाइनली राजामुंड्री शहर में आ गए और इस रोड से आए। पहले क्या होता था, यहाँ इन गाँव के अंदर से एक रोड आती है, उससे हम आते थे जब ये मेन रोड इतनी अच्छी नहीं थी, तो गूगल वो वाला रास्ता दिखाता था, वो हम बहुत आए हैं। बट अब तो हाईवे अच्छा हो गया, तो हाईवे से ही आते हैं। अब क्या है कि अब ज़्यादा शहर पार नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा ही होता है बस, हल्का फुल्का, मतलब आई थिंक 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर इस रोड पे चलेंगे हम तो हो जाएगा। ये है राजामुंड्री का पुराना शहर, आप देखिए। अब इसमें बहुत खास क्या है मुझे नहीं पता, बट राजामुंड्री बस मुझे इसलिए याद रहता है बिकॉज़ यहाँ पर गोदावरी बहुत बड़ी है, मतलब गोदावरी का क्या कहते हैं वो महास्वरूप दिखता है आपको, बहुत बड़ी दिखती है गोदावरी और काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ से बहुत सारी कैनल्स वगैरह हैं और समुंदर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से कुछ दूर जाके क्या बोलते हैं मछलीपट्टनम से थोड़ा सा ऊपर में जाके राजामुंड्री सॉरी गोदावरी समुंदर में समा जाती है। सो चलिए, अब हम चलते हैं आगे और कुछ देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, थोड़े फ्रूट लेने अगर मिले तो, कोशिश करते हैं मिल जाए। ये कोकोनट वाटर पीने रुके हैं हम, यहाँ आप देख सकते हो, ये 30 रुपीज़ के हैं इतने सारे, मतलब 30 रुपीज़ का एक है। हमने 3 लिए हैं, बेबी सो रहा है उसके लिए पार्सल करा है, हम पी के जाएंगे, देखते हैं कैसा है। कैसा है पानी, मीठा है खट्टा है? इधर का इतना मीठा नहीं होता नॉर्मली, आंध्रा का कर्नाटका का ज़्यादा मीठा होता है, बट जैसा भी है सही है कह रही है। चलिए देखते हैं, ये मेरा भी आ गया। ठीक है, नॉट बैड, मतलब इतना खट्टा नहीं है जितना मैंने सोचा था, मीठा ही है। नॉर्मली आंध्रा के थोड़े खट्टे होते हैं, कर्नाटका के तो बहुत मीठे होते हैं। मज़ा आ गया, 30 रुपये ऑल्सो नॉट बैड। वैसे पिछले हफ्ते मैंने 20 रुपये के लिए थे बट वो थोड़ा अंदर गांव में था, मेन हाईवे पे नहीं था, हाईवे के हिसाब से ठीक है। मज़ा आया। तो कोई स्कूल छूटा है यहाँ पे, पूरे भर भर के बच्चे जा रहे हैं, और यहाँ पे बड़ा अच्छा करा यहाँ कोई पुलिस वाले ने आके यहाँ पे ट्रैफिक रोक दिया, आप सामने देख सकते हो, बड़ा सही है ये, इससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक कोई स्कूल छूटा है, सही, अच्छा लग रहा है। और हमारा बेटा भी उड़ गया, शायद उड़ गया विक्रांत, आवाज़ तो आई नहीं, सो रहा है। चलिए अब यहाँ 2 मिनट गाड़ी ऐसे ही रखते हैं जब तक ये बच्चे जाते हैं। ये हम ट्यूनी के आसपास है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत शोर है रोड की वजह से, कि ट्यूनी में आमों की भरमार है, भरमार। तो ये देखिए आप, रोड के साइड में एक आम का बागान है, बेबी मैंगो गार्डन से आ रहा है अभी, वैसे अक्टूबर है तो आम तो नहीं है, बट आप ये देखो कितना बड़ा गार्डन है, सारे मैंगो ट्रीज़ हैं यहाँ पे, अच्छी खासी शेड है, पिकनिक विकनिक करने के लिए बड़ा सही है, शेड में बैठो मज़े से। आम के सीज़न में तो कोई होता होगा यहाँ बगीचे में बैठता होगा, अभी तो कोई भी नहीं है, इतना सही है। और हमारी गाड़ी वो देखो आप, जस्ट पीछे खड़ी है वहाँ पर पेड़ के जस्ट साइड में, सो काफ़ी सही है। ट्यूनी के वहाँ पे आ गए, अब हमारा रह गया ऑलमोस्ट 3 आवर्स का रास्ता, और फिर हम पहुँच जाएंगे अपने होटल विशाखापट्टनम। चलिए, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, आई थिंक 7:30-8 बजे तक पहुँचेंगे हम, सो चलते हैं।
ये देख सकते हो आप, हमारा इतना बड़ा बेटा अपनी माँ की गोदी में बैठा है। शर्म भी नहीं आती इस बड़े बच्चे को, मम्मी के साथ गोदी में बैठता है, उसे लगता है वो अभी भी छोटा है, बच्चा है। कितने साल के हो तुम बेबी? तुम्हें कितने के लगते है तुम? 6 से छोटे लगते हो है? छोटे बच्चे बैठते हैं ऐसे मम्मी की गोदी में, बड़े बच्चे तो नहीं बैठते, बिग बॉयज तो नहीं बैठते। यू आर नॉट अ बिग बॉय, यू आर बेबी। हाँ मेरी मर्जी है। चलिए हम तो ट्यूनी पार कर रहे हैं, चलते आगे। ये आप नज़ारे देखो, क्या नज़ारे हैं, सामने पहाड़, नीचे कोकोनट के खेत, वाह। ये मैंने वैसे बहुत बार देखे हैं ये आते जाते, बट जब भी मैं देखता हूँ मतलब खुशी की सीमा नहीं रहती, हर बार खुशी होती है, ऐसा नहीं कि कभी बोरियत लगती है। क्या नज़ारे हैं, और सबसे खास इन पहाड़ की बात यह है कि ये हरे हैं एकदम, मतलब हरे पहाड़ कम ही दिखते हैं इस एरिया में। वाह ये देखो आप, पहाड़, बीच से रोड जा रही है और खेत हैं ग्रीन ग्रीन। वाओ बेबी कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है, घूमी घूमी। तुम तो रो रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैंने अपना बलून पॉप किया। बलून, अच्छा। ओ देखो कितने अच्छे व्यूज मिस कर जाते हो तुम। 5 और आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा हल्का अंधेरा हो गया। अच्छी चीज़ ये है कि अब टेम्परेचर, गर्मी थोड़ा कम हो रही है, पहले 36 डिग्री थी सुबह, अब 32 पे आ गई है धूप के जाते। नज़ारे तो अभी भी सुंदर हैं, आप देखो सामने पहाड़ हैं हरे भरे, खाली रोड है, साइड में खेत हैं हरे भरे, बहुत सही। अभी भी रह गया है 2 घंटे का रास्ता, 5:30 हो गया है, 7:30 के आसपास हम अपना होटल पहुंचेंगे और इस ब्लॉक को हम विशाखापट्टनम पहुंच के एंड करेंगे। तब तक आपको दिखाते हैं, डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर, टोटल 700 किलोमीटर के आसपास था, अब लास्ट 100 रह गया है। और चले थे हम सुबह 7 बजे के आसपास, 7:30 चले थे, 5:30 होने वाले हैं, तो आप लगा लीजिए ऑलमोस्ट 9-10 घंटे के आसपास होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आगे। के बज गए हैं 5:50 और आप सामने देख सकते हो घनघोर अंधेरा हो गया, घनघोर अच्छा खासा। और मुझे ये लगता है क्यों है, बिकॉज हम थोड़ा ईस्ट इंडिया की साइड जा रहे हैं। अगर हम अपना डायरेक्शन देखें तो हम हैदराबाद से ईस्ट में जा रहे हैं, और जो मैंने पढ़ा था बचपन में कि सूरज ईस्ट से आता है और वेस्ट में जाता है, तो मुझे वही लगता है कि बिकॉज ईस्ट में आता भी पहले है तो जाता भी पहले है, तो शायद इसलिए यहाँ 6 बजे इतना अंधेरा हो गया, बिकॉज हैदराबाद में इतना नहीं होता, मतलब होता है बट इतना नहीं होता, और दिल्ली में तो आई थिंक 6 बजे तक इस टाइम पे तो अच्छा खासा रोशनी रहता था, तो मुझे वही लग रहा है। और जब हम सिलीगुड़ी और वेस्ट बंगाल साइड जाएंगे वो तो और ईस्ट है, तो वहाँ तो और जल्दी आई थिंक अंधेरा भी होगा और लाइट भी आएगी, सो देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप कॉमेंट में बताएं कि आपको ऐसा लगता है। चलिए चलते आगे। है जो विशाखापट्टनम से 40 मिनट दूर है, मतलब 40 मिनट पहले है, यहाँ हमेशा जाम होता है, ये एक रेड लाइट है, और इस पे मैं जितनी बार आया हूँ, बेशक मैं रात के मतलब बहुत रात में तो हम कभी नहीं आए, बट कई बार सुबह सुबह भी आए हैं एक दो बार, बट तब भी जाम मिला है, और रिटर्न में भी हमेशा यहाँ पे जाम मिलता है, बट मतलब जब हम विशाखापट्टनम से अपने घर आ रहे होते हैं। सो ये एरिया ऐसा है, अच्छे से अंधेरा हो गया। अब एक्चुअली थोड़ी सी हमारा इस वीडियो में ट्रेजेडी हो गई, हमने सोचा था आपको ईस्टर्न घाट्स दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया एकदम वाइजाग वाले, बट यहाँ हम पहुँच गए रात में, तो अब कुछ नहीं दिख रहा। सो चलिए शायद आते हुए अगर ये रूट लें और सुबह सुबह निकलेंगे तब तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ वाइजाग के 40 किलोमीटर अंदर आने के बाद काफ़ी अच्छे पहाड़ वगैरह दिखते हैं, मतलब 40 तो नहीं, 60-70 की रेंज में आने के बाद दिखते रहते हैं, बट बिकॉज हम रात में पहुँचे तो हम आपको कुछ दिखा नहीं पाए। सो चलिए कोई नहीं, अभी चलते हैं आगे वाइजाग की ओर, वाइजाग पे जाके इसको हम ख़त्म करेंगे अपने ब्लॉग को। सो अभी भी हमारा गूगल बता रहा है 1.5 घंटा लगेगा और 44 किलोमीटर बचा हमारा होटल, सो चलिए चलते हैं। सामने देख सकते हो भीड़ भाड़ वाला एरिया, ये रेलवे स्टेशन के पास का एरिया है इसलिए भीड़ भाड़ है। अब यहाँ से अपना होटल रह गया है 1.8 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर से भी कम, बट टाइम बता रहा है अभी भी 7-8 मिनट, बिकॉज रास्ते में ट्रैफिक है जैसे आप देख ही सकते हो।
तो चलिए अब हम विशाखापट्टनम आ गए, इस ब्लॉग को अब हम यहीं एंड करते हैं। अगर थोड़ा दिन का बताएं तो हम आए ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर और हमारा टोल लगा आज ऑलमोस्ट 1100 रुपये का, और बीच में हमने लंच किया वो 300 रुपये का था, ब्रेकफास्ट किया वो 120 रुपये का था, 125 का था, वो हमने दिखाया था आपको। सो ऑल इन ऑल हम आ गए हैं, एक टैंक डीजल भी लग गया होगा आज, तो आप लगा लो 4500 मतलब 4200 के आसपास का डीजल भी लग गया होगा। सो अब आज का दिन एंड करते हैं। अब हम यहीं पे एक होटल लिया हुआ है हमने लेमन ट्री का की सेलेक्ट, वहीं हम रुकेंगे। अब होटल पता नहीं कैसा, अगर इंटरेस्टिंग होगा तो अगले ब्लॉग में आपको दिखाते हैं, अदरवाइज़ फिर कल सुबह हम यहाँ से भुवनेश्वर जाएंगे तो वो तो हम आपको दिखाएंगे ही पूरा, मतलब जैसे आज दिखाया प्रॉपर। सो चलिए फिर किसी अगले ब्लॉग में मिलते हैं, और अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो आपको हमारी हैदराबाद टू बैंगलोर वाली जर्नी भी पसंद आएगी, तो वो ज़रूर देखिए यहाँ पर।